ये रेनॉल्ट की क्विड है, हमारे पास टोचन से आई हुई है कि कस्टमर का कहना है कि ये गाड़ी जो है पत्थर से टकरा गई रही और उसके बाद जो बंद हुई तो सेल्फ लेना भी फिर बंद कर दी रही। तो हमने इसका आयल का गेज जैसे ही चेक किया तो इसमें जो है आयल बिल्कुल भी नहीं निकला। तो हमने इसको जो है नीचे लेट के आपको दिखा दे रहा, हमने जैसे ही नीचे लेट के देखा तो ये देखो क्या हालत हो चुकी है इसकी। चैम्बर जो है पत्थर से टकरा गया था जिसकी वजह से चैम्बर फूट गया, इसका जो है पूरा का पूरा आयल जो है बह गया। और जैसे ही आयल बहा तो थोड़ी देर तो चली, उसके बाद दो इंजन एक बार पकड़ा तो उसके बाद इंजन घूमने ही बंद कर दिया। कस्टमर तो बोला था कि हम सेल मार रहे तो ले नहीं रही क्योंकि इंजन घूम ही नहीं रहा, तो इसलिए सेल्फ भी नहीं ले रही थी। और हमने मेन पुल्ली में जो है बोर्ड लगा के घुमा के भी देखा तो बिल्कुल ही जो है सीज हो गया इंजन। ये कितनी ताकत लगा रहे फिर भी इंजन जो है ज़रा सा भी नहीं घूम रहा। इस गाड़ी का जो है इंजन पूरी तरीके से सीज हो गया है, क्रैंक जो है वो पकड़ ली होगी क्योंकि गाड़ी में आयल तो बिल्कुल निकला ही नहीं। तो हम इसका जो पूरा इंजन खोलते हैं फिर बताते हैं। तो अभी हमने इसकी जो है सारी वायरिंग और जो पाइप पाइप के कनेक्शन आते वो सब खोल दिए हैं और हमने इंजन फाउंडेशन से खोल के नीचे उतार लिया। अब गाड़ी को जो है अपन ऊपर चढ़ाएंगे और इंजन को जो है बाहर निकाल लेंगे। जैक के माध्यम से अपन इसका इंजन जो है गाड़ी को ऊपर चढ़ा दे रहे हैं। ये हमने इंजन जो है बाहर निकाल लिया है, इसको डिसेंबल करते हैं। हेड साइड से तो इसमें कोई भी ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रही, हेड साइड से ठीक है। लेकिन जैसे ही अपन ने ये देखो ये चैम्बर की तो हालत हमने पहले ही दिखाया रहा, पूरा फट गया है। प्लास्टिक का चैम्बर जैसा सी टक्कर लगी और फट गया तुरंत, क्विड की ये समस्या बहुत बड़ी है। और ये देखो क्रैंक जो है पूरी सूख गई है, ये जो है पूरी ऑयल में डूबी हुई रहती है। जैसे ये दो नंबर की देख रहे हैं ना आप, उस टाइप से देखो, एक नंबर और तीन नंबर की क्रैंक जो है वो पूरी मार खा गई। ये इसमें तो बैरिंग ही चिपक गया, निकला ही नहीं रहा। ये बैरिंग का टुकड़ा दिखा रहे हैं, बैरिंग जो चिपक गया इसमें जो है पकड़ लिया है, लेकिन हम बैरिंग फिर भी खोल के दिखा दे रहे हैं। ये देखो ये पूरा का पूरा जो बैरिंग है ये क्रैंक में पकड़ लिया था, ये पूरी क्रैंक पकड़ ली जिसकी वजह से इंजन जो जाम हो गया कुछ। ये बीच वाली देख रहे हैं आप, अब दिखा रहे हैं हम बीच वाली, ये देखो ये पूरी क्रैंक पकड़ ली है, बीच वाली देखो ऐसी रहती है। इसकी जो है एक नंबर गोटी जो है मार खा गई है, बाकी मेन बैरिंग जो वो ठीक है, मेन साइड से दिक्कत नहीं है, मेन कनेक्टिंग बैरिंग ख़राब हो गए। तो हमारी जो है क्रैंक वो चली गई लेथ मशीन में, जब तक हम इसके इंजन का जो है बाकी सामान धो लेते हैं क्योंकि इसमें समय बहुत ज़्यादा लगता है। अगर जब तक हम इंजन की सफाई कर ले रहे हैं फिर क्रैंक भी आ जाएगी तब तक। डीजल से धोने के बाद, पैकिंग वैकिंग छुटाने के बाद इसको पानी से लास्ट बार प्रेशर से धुलवा देते हैं ताकि जो भी आयल आयल वगैरह है जो डीजल वीजल है वो सब छूट जाए। और हमारी क्रैंक भी जो है वो आई गई है, ये देखो क्रैंक जो हमने पॉलिश करा दी है। इसका जो साइज है वो 10 पे आ गया, पहले स्टैंडर्ड साइज़ था 10 पे आ गया क्योंकि घिस गई रही, तो लेथ मशीन वाले ने जो है क्रैंक को ग्राइंड कर दिया है। तो हमने इसके जो है सारा सामान भी बुलवा लिया, तो अब फिटिंग स्टार्ट कर देंगे। अभी हमने इसमें ऑयल लगा के छोड़ दिया, पानी पड़वा क्या है ताकि जंग ना पकड़े, इसलिए हम ऑयल लगा के छोड़ दिए। और ये हमारा ब्लॉक, ब्लॉक में हमने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ इसको धोया बस है क्योंकि ब्लॉक में तो वैसे भी कोई भी समस्या नहीं आई थी। और ये हमने जो मेन बैरिंग रहते हैं ये नए डाल दिए हैं, ये वो जो इसके कनेक्टिंग के बैरिंग रहते हैं वो भी हमने नए बुलवा लिए। ये देखो क्रैंक कितनी फ्री घूम रही, बिल्कुल ऐसे ही चलनी चाहिए। और हम पिस्टन में भी बता दे रहे, पिस्टन वही है पुराने हैं, सिर्फ रिंग जो है ये हमने नए लेकर डाल दिए क्योंकि रिंग जो है जब भी पिस्टन निकलता है तो रिंग नए डाल देना चाहिए। और ये कनेक्टिंग की बैरिंग भी हमने नई डाल दी है। और रिंग भी हम दिखा दे रहे कौन से, ये देखो रेनॉल्ट के हमने ओरिजिनल रिंग मंगवाए हुए हैं, बहुत ज़्यादा महंगे भी नहीं है ये। और ये हमने पिस्टन जो फिट कर दिए हैं, पिस्टन फिट करने के बाद घुमा के देख लेना चाहिए ताकि थोड़ी बहुत समस्या हो तो तुरंत ही पता चल जाता है। और ये हमारा हाफ इंजन जो है कंप्लीट हो गया है, अब हम इसकी बाकी की फिटिंग करते हैं। ये हमने ओरिजिनल हेड गास्केट मंगाई हुई है, गाड़ी में जो है मेन मेन जो पार्ट्स रहते हैं वो ओरिजिनल ही डालना चाहिए ताकि
बार बार खोलने का जो है झंझट ना रहे, क्योंकि इसमें फिटिंग जो है बहुत ज़्यादा रहती है। कोई सी भी चीज़ अगर ख़राब निकले बहुत ज़्यादा फिटिंग जो है खोलना पड़ती हैगी। और हम इसका जो अब हेड और चढ़ा के दिखा दे रहे हैं, ये देखो हमने जो है हेड में भी ऐसा कोई भी मेजर काम नहीं किया है, हेड को भी जो है धुला बस है अच्छे से, क्योंकि हेड में भी कोई भी समस्या नहीं आई थी। गाड़ी जो है क्या बोलते हैं अपन, जैसे ही आयल लीक हुआ रहा तो क्रैंक ने पकड़ ली रही, हेड में ऐसा कोई काम निकला ही नहीं था, तो हमने हेड को भी जो है सिर्फ धुलवाया बस है। ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपन खर्चा करने के तरफ नहीं थे, अपन जो है जितना पैसा बच सकता था अपन ने बचाने की कोशिश करी है। और हम इसकी टाइमिंग और आपको समझा दे रहे हैं, ये जो आप गियर में डॉट देख रहे हैं ये, और जो टाइमिंग चेन में जो है ग्रे कलर का निशान दिख रहा है वो, ये देखो इस तरफ भी आप चेन में निशान देख रहे हैं और गियर में जो है डॉट बना हुआ है। और नीचे हम आपको क्रैंक की भी समझा दे रहे हैं, ये की देख लो, चाबी जिसको अपन कहते हैं, और नीचे जो है एक एरो टाइप से बना होगा, ये बना एक एरो ये। और टाइमिंग चेन में भी देख लो एक येलो कलर का मार्क लगा होगा, ये मार्क हो गया। और एक जो गियर में एरो बना हुआ है वो, ये दोनों को जो है आमने सामने रहना चाहिए। और ऊपर से भी हम आपको दिखा दे रहे हैं कि पिस्टन जो है वो टॉप पे रहना चाहिए, किसी भी गाड़ी की आप जो टाइमिंग बांधते कार में वो ज़्यादातर पिस्टन जो है वो टॉप पे ही रहना चाहिए, और दो नंबर और तीन नंबर के पिस्टन जो वो नीचे की ओर हैं। तो हमने आपको इस गाड़ी की जो है टाइमिंग भी समझा दी है कि टाइमिंग किस प्रकार से जो है बांधते हैंगे। अब हम इसकी बाकी की फिटिंग और कर लेते हैं, और टाइमिंग बांधने के बाद में इंजन को 10-12 राउंड जो है घुमा के और चेक कर लेना चाहिए, ताकि जो है अगर आपसे गलत टाइमिंग बन गई होगी तो इंजन जो फंस जाएगा बीच में, कहीं घूमेगा नहीं। अगर आपने मान लो घुमा के नहीं देखा और टाइमिंग गलत बन गई, तो जैसे ही आप स्टार्ट करोगे ना पूरे पिस्टन और वॉल वॉल सब बेंड हो जाएंगे। और हमने इसका ऑयल पंप भी लगा दिया है, और इस जगह पे जो है वो वाटर पंप लगता है। और हमारी गाड़ी की जो ऑलमोस्ट फिटिंग जो हो गई है, इसका जो है चैम्बर तो पूरा फूट ही गया रहा, तो अपन ने चैम्बर भी नया डाल दिया है, और जो है इंजन जो है कंप्लीट हो गया। अब हम इसको जो है गाड़ी में और टांग देते हैंगे, तो बाकी की जो फिटिंग है इनलेट और एग्जास्ट वो ऊपर ही करेंगे। ये हमने दोनों माउंटिंग के बल पे इसको फिट कर दिया, ये देखो ये हिल इसलिए रहा क्योंकि अभी गियर बॉक्स वाली माउंटिंग नहीं फिट हुई है, ये दो माउंटिंग जो है वो वाली फिट कर दी है। नीचे से दिखा दे रहा कोई जैग वैग नहीं लगा, क्योंकि माउंटिंग पे टिका हुआ है इंजन। अब इसकी बाकी की फिटिंग और कर लेते हैं तब तक, और गाड़ी जो है हमारी स्टार्टिंग पोजीशन में आ गई है, तो हम इसमें आयल डाल दें और इसमें जो है पानी भी डाल दें। अभी पानी इसलिए डाल रहे हैं, कूलेंट इसलिए नहीं डाल रहे, ताकि गाड़ी में जो है अगर लीकेज वगैरह रहा तो अपना कूलेंट जो है वेस्ट ना हो जाए। इसलिए तब जब कभी भी गाड़ी का इंजन बनता तो पहले इसमें पानी डाल के ही स्टार्ट किया जाता है, ताकि जो है लीकेज वगैरह तो वो समझ में आ जाए अपने को, और कूलेंट जो है वेस्ट ना हो। तो हमारी जो है फिटिंग भी हो गई और आयल पानी भी डाल दी, अब हम इसको स्टार्टिंग पोजीशन में लेके चल रहे हैं। हमने जैसे स्टार्ट किया तो बैटरी जो है डाउन थी, तो हम इसकी बैटरी और चेंज कर दें। करो चाबी ऑन। स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें जो ज़रूरी चेक करना, जैसे पेट्रोल आ रहा कि नहीं आ रहा है का। बस बंद कर दो, पेट्रोल आ रहा है। अभी हमने इसमें जो है प्लग भी फिट नहीं करी हूँ, क्योंकि स्टार्ट करने से पहले जो है खाली सेल्फ मारना बहुत ज़रूरी, ताकि जो कचड़ा है वो बाहर आ जाए। नहीं, अभी खाली सेल्फ मारना, जो कचड़ा होगा बाहर आ जाएगा। मारो खाली सेल। मारो बस, प्लग लगा दो साफ करके। ये इसके प्लग जो है कस रहेगा, और ये देखो ये जो है प्लग के इग्नाइटर है। पहले की गाड़ियों में क्या रहता है का, इग्नाइट वो जो कॉइल आती है, जैसे अपन बाइक वगैरह में भी देखते हैं प्लग में एक लीड लगी रहती है, पहले की गाड़ियों में लीड आती रही, आजकल की गाड़ियों में जो डायरेक्ट इग्नाइटर आता है। लीड वाला जो है सिस्टम ख़त्म हो गया है, गाड़ियाँ जो है बिल्कुल अपडेट होती जा रही हैं, MPFI इंजन है क्योंकि ये, और जो कार्बेटर वाली रहती रही उसमें लीड रहती रही, ये MPFI गाड़ी है। जाओ सेल्फ मारो। करो स्टार्ट। और ये
ये हमारा इंजन जो है ये टेस्ट में भी स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। अभी बिल्कुल हमने वीडियो को ना ही पॉज किया ना ही कट किया, एक सेल्फ मारा एक सेल्फ में ही स्टार्ट हो गया इंजन। कूलेंट वगैरह जो है अभी तो अपन ने डाले ही नहीं है। इंजन जो है इतना ज़्यादा इसलिए वाइब्रेट कर रहा है, जैसे जैसे इंजन चलता जाएगा, रमा होता जाएगा, इंजन स्मूथ होता जाएगा। लीकेज चेक कर लो जरा जांच के नीचे, कहीं से आयल आयल तो लीक नहीं कर रहा, पानी तो लीक नहीं कर रहा, देख लो। अभी रमा हो जाएगी तो धड़धड़ा रही है, सही हो जाएगी। अब हम इसको जो है एक दो घंटे इसी प्रकार से छोड़ देंगे स्टार्टिंग, ताकि इंजन जो है वो रमा होता रहे। नहीं है ना लीकेज, आ जाओ बाहर चलने दो इसको थोड़ी देर ऐसा ही। गाड़ी जो है दो तीन घंटे रमा भी कर लिए और पूरी फिटिंग भी कर ली, अब आपको और चेक करा दें। जाओ स्टार्ट करो, गाड़ी पूरी कंप्लीट हो ही गई है, ट्रायल ऑल ले लेंगे इसके बाद। कोई मिसिंग विसिंग नहीं, कोई जरा सी भी कोई प्रॉब्लम नहीं, पंखा भी चेक हो ही गया इसका, गाड़ी जो है पूरी तरह के से ओके हो गई है। गाड़ी हमारे साइड से पूरी रेडी है, बस इसको चला के और देख लें एक बार लास्ट बार। फैन हमने चेक कर लिया दो तीन बार और गाड़ी को रमा भी कर लिया है इसको, समथिंग कल एक से डेढ़ घंटा स्टार्ट कंडीशन में छोड़ दिया था, तो गाड़ी जो है पूरी तरीके से रमा भी हो गई है। तो इसको चला के और देख लें, आपको बता दें। वैसे तो हमने चला लिया, आपको और चला के दिखा देते हैं। बंद कर दो। ना ही पिकअप में कोई भी प्रॉब्लम है, ना ही जरा सी भी कोई भी दिक्कत नहीं है। इसको हमने पहले भी ट्रायल ले ली थी, एक बार और आपके लिए ट्रायल लेके दिखा दे रहे हैं। गियर एयर सारी चीज़ें जो है बहुत ही स्मूथली चल रही है, ये गाड़ी जो है पूरी तरीके से ओके है। तो हम इसको जो है कस्टमर को डिलीवर कर देते हैंगे। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। वैसे हमने गाड़ी को कल दो घंटे रमा कर लिए रहे और अभी हमने समथिंग इसको 30-40 किलोमीटर चला लिए, वो गाड़ी जो है वो पूरी तरीके से रेडी है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।